लैंडस्लाइड के डरा देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। ये घटना आज सुबह की है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तस्वीरें ये रही आपके सामने। ये देखिए चमोली में किस तरह से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का, टूटा होगा मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है। ऐसा लग रहा बादल है, लेकिन बादल नहीं है। आप तो देख पूरा टेंडर बंद हो गया, देखो। अरे बंद तो कोई बात नहीं, खुल जाए, पर टूट ना गया होगा। अरे ना ना, जो एक दो गाड़ी जा रही थी, गाड़ियां नहीं थी, एक दो गाड़ियां जा रही थी, गाड़ियां नहीं थी। तो उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ का ये पूरा हाईवे बंद हो गया है। पाताल गंगा लंगसी टनल के पास ये लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। उत्तराखंड से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर ताजा लैंडस्लाइड की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं चमोली में किस तरह से लैंडस्लाइड हुई है, और ये सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में जब से बारिश का महीना शुरू हुआ है, तब से लगातार पहाड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं। चमोली से अवनीश पाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? और इस लैंडस्लाइड की वजह से जाहिर है रास्ता तो बंद हो ही गया है, कितने नुकसान की खबर है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लगातार बरसात का कहर देखा जा रहा है, जहां आज चमोली के ये पीपलकोटी के पास इस तरीके का ये जो बड़ा एक पहाड़ का हिस्सा सड़क पर आके गया है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है। इसके अलावा साथ ही साथ पिछले एक दो दिन में लगातार इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पहाड़ पे काफी जो है मुश्किलें पहाड़ के लोगों, और या इसके अलावा अगर हम बात करें चारधाम यात्रा की, तो काफी प्रभावित हो रहा है। और जो चारधाम यात्रा में जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफी मुश्किलें हैं, क्योंकि ऐसे में बरसात में कभी भी अचानक से वहां से पहाड़ी गिरती है तो बड़े हादसों का जो है कभी भी इस तरीके के हादसे सामने आ जाते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पे जो नुकसान है उसकी भी अभी ये चीज देखी जाएगी कि कितना इसका आकलन किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि वहां पर जो टनल का काम चल रहा था उसके नजदीक ये हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इसमें देखा जा रहा है, लेकिन कितना नुकसान होगा इसका अभी आकलन करना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो जो बरसात जो हो रही है उसका जो सबसे ज्यादा असर है वो पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है, जबकि मैदानी इलाकों में भी इसका असर है। जैसे कि अभी बीते दिनों खटीमा में जो है भारी पानी की वजह से जो है नदियों में वहां पे जो पूरा इलाका तब्दील हो गया था। हालांकि जो प्रशासन है SDRF है लगातार रेस्क्यू और तमाम कार्यों में जुटी हुई है, और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या बस जो पहाड़ पे चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए आती है, क्योंकि पहाड़ पर कभी भी इस तरीके के हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें हमारे सामने हैं, उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं बारिश के इस मौसम में, और जबरदस्त नुकसान और बर्बादी हो रही है। और वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार भारी बारिश से नदियों में उफान और बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। NDRF और SDRF की टीमें भी मुस्तैद हैं। शारदा नदी में उफान, तेजी से बढ़ता खतरा, सैलाब का प्रहार, तेजी से बढ़ता वाटर लेवल। तस्वीरें टनकपुर के बनबसा बैराज की है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। NDRF और SDRF की टीमें भी पूरी तरह से चौकस है। बनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। बनबसा बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। खटीमा के कई इलाके जलमग्न है, लोगों के घरों में पानी का बसेरा है, सड़कों पर कई फीट तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। और वहीं उत्तराखंड के रामनगर में भी नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच एक बरसाती नाले में एक बाइक सवार और उसके साथ बैठे शख्स की जान मुश्किल में पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। बरसाती नदी में उफान, लहरों से जंग, बेकाबू सैलाब, फंस गए बाइक सवार, संकट में फंसा दुपहिया चालक और उसके पीछे बैठा शख्स।
तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की। इस वीडियो का एक एक फ्रेम पानी की मनमानी की कहानी बयां कर रहा है। यहां नेशनल हाईवे 309 के पास बहने वाली बरसाती नदी में एक बाइक सवार शख्स और उसके साथ बैठा युवक फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार खुद को रोक नहीं पाया और पानी की रफ्तार में बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगे। गनीमत रही कि वहां स्थानीय लोग मौजूद थे, जिससे दोनों की जान बच गई। पानी का बहुत तेज फ्लो ज्यादा आ गया था, तो ये दो लोग अभी बाइक से आए, इनको अचानक से पता नहीं चला, ये दोनों नीचे बह गए थे, तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों को पकड़ा। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। उफनते नाले को देखकर कुछ लोग इसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, मगर इसी बीच कुछ लोग जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगे। इसी जल्दबाजी में बाइक सवार इस उफनते नाले में संकट में फंस गया। इस बाइक सवार की जान पर बनाई। इस बीच नाले के किनारों पर मौजूद लोगों ने इस शख्स की जान बचाई। नेपाल के बाद अब बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। गंडक नदी में आए उफान से कई इलाकों पर बाढ़ ने कब्जा कर लिया। देखिए बिहार के 15 जिलों पर क्यों बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। बाढ़ से तबाही का मंजर, खेतों से लेकर बस्ती तक सैलाब का कब्जा, सब कुछ पानी में समा रहा है। तस्वीरें पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया इलाके की हैं। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़े जाने के बाद पूरे इलाके पर संकट और बढ़ गया। गंडक नदी में आया उफान बड़ा खतरा बनकर किसानों को डरा रहा है, तो ग्रामीण अब खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। अब सरकारी स्कूल की इस इमारत को देखिए, स्कूल का पूरा परिसर पानी में डूब गया। सैलाब स्कूल की इमारत में घुसकर मनमानी पर उतारू है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चौपट पड़ी है। मंझरिया गांव की सड़कों पर पानी ने प्रहार किया, कई रास्ते पानी में समा गए, लोगों की आवाजाही ठप पड़ी है। केसरिया प्रखंड में जो ढेखा पंचायत में मंझरिया है, वहां स्वयं मेरे द्वारा कल इंस्पेक्शन किया गया था। उसमें RWD से बात हो गई है, वो लोग जो जियो बैग्स हैं उसको डालेंगे, तो वो जो टूटने की समस्या है उसका हम लोग निराकरण कर लेंगे। और जो प्रमंडल के लोग हैं, नदी प्रमंडल वाले, वो भी सतत वहां पे निगरानी में हैं, तो ऐसा टूटने की संभावना बहुत कम है और पानी का लेवल भी डाउन हो रहा है। गंडक नदी में कटाव की वजह से बिहार के 15 जिलों पर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे पूरे इलाके पर भारी हैं। और वहीं असम में आई विनाशकारी बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों को भी इसका कहर झेलना पड़ रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां बाढ़ और बारिश की कहर बेजुबान भी कराह रहे हैं। असम के ऐतिहासिक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, आज वो एक समंदर में बदल गया है। भीषण बारिश बाढ़ की तस्वीर बयां कर रहा है कि बेजुबान जानवरों पर किस कदर कुदरत ने कहर बरपाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद ये बेजुबान जानवर अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौत को मात देकर कुछ जानवर जिंदगी बचाकर निकल गए हैं, लेकिन अब तक 137 जानवरों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के एक अधिकारी की माने तो अब तक 6 एक सिंग वाले गैंडे समेत 137 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा जानवरों को बचाया गया है। इन बेजुबानों को बचाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उद्यान कर्मी जानवरों पर ड्रोन कैमरे से 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। असम की कई नदियां उफान पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बढ़ते जलस्तर से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अपनी चपेट में ले लिया है। पीलीभीत में सैलाब ने जिले के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। पानी की मनमानी से त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए पूरी खबर। बेकाबू बाढ़, सैलाब में फंसी जिंदगी, लहरों का आतंक। तस्वीरें पीलीभीत के कई इलाकों में आई भीषण जलापदा की है। NDRF की टीमें एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एक तरफ लोगों तक जहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर उन इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है जहां कई फीट तक पानी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी मदद कर रहे हैं। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर 300 लोगों को बाहर निकाला है। दरअसल पीलीभीत में बनबसा बैराज से 4 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से ही शारदा किनारे गांव पानी से जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर हाईवे, लिंक रोड और रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई। इस वजह से शहर से लेकर गांव तक के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बिजली की आपूर्ति बाधित है। वही कुदरत के क्रोध ने महाबली चीन का भी घमंड चूर चूर कर दिया है। सैलाब की मार से चीन के कई प्रांत ऐसे हैं जो कराह रहे हैं। देखिए सैलाब के प्रहार से परेशान चीन की ये लेटेस्ट रिपोर्ट।
सैलाब की बेकाबू रफ्तार बह गया पुल। शहर में घुसी उफनती नदी, बेकाबू बाढ़ का खतरनाक मंजर चीन का है। पानी के प्रहार से चीन का वोशान कराह रहा है। देखिए बाढ़ के रौद्र रूप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तूफानी स्पीड से बेकाबू सैलाब वोशान के घरों, मकानों, दुकानों और संस्थानों में टक्कर मार रहा है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं तो गलियां उफनते नाले बन चुकी हैं। चीन के वोशान में जिंदगी बाढ़ की आगोश में उलझकर सिसकने को मजबूर है। सिस्टम फेल हो चुका है। जिनपिंग सरकार भी कुदरत के क्रोध से कांप रही है। खुद को सुपर पावर कहने वाला चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बाढ़ का हर वीडियो, हर तस्वीर, हर फ्रेम बाढ़ से तबाही की कहानी बता रहे हैं। वोशान के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं तो सड़कें बर्बाद होकर पानी में समा गई हैं। 44 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। चीन के हेनान प्रांत में झेंगजो शहर में सड़कों पर सैलाब कहर बनकर टूट रहा है। हेनान की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। कार, जीप, वाहन सब पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की जिंदगी संकट में है। बाढ़ का पानी आतंक मचा रहा है। बाढ़, बारिश और तूफान से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी कांप रहा है। कुदरत के प्रहार ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से हुई तबाही की हैं। ड्रोन से कैप्चर इस वीडियो में बाढ़ से बर्बादी के निशान हर तरफ दिखाई दिए। टेक्सास की गलियां अब नालों में तब्दील हैं तो सड़क नेटवर्क भी सैलाब में समा चुका है। पानी में डूबकर हजारों वाहन कबाड़ बन चुके हैं। टेक्सास में बेरिल तूफान के बाद भारी बारिश से आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। ह्यूस्टन में बाढ़ बारिश से 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के टेक्सास में बेरिल के कोहराम की एक और तस्वीर देखिए। 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने टेक्सास में भीषण तबाही मचाई। घर की छत उड़ गई, पेड़ उखड़ गए, खंभे गिर गए। शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तहस नहस है। अमेरिका के माउंट वर्नोन में भी टॉर्नेडो ने कोहराम मचा दिया। माउंट वर्नोन से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बवंडर की खौफनाक तस्वीरों से संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बवंडर से माउंट वर्नोन के लोगों में कई घंटे तक दहशत देखी गई। अमेरिका के इंडियाना का खौफनाक मंजर भी देख लीजिए। इस इलाके में तेज हवाओं के साथ टॉर्नेडो ने भीषण तबाही मचाई। कई इलाकों में बिजली जाने से अंधेरा भी छाया रहा। और भारी बारिश ने किचन का जायका भी बिगाड़ दिया है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। बाढ़ और बारिश की वजह से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सब्जियों की कीमत में अचानक उछाल देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले एक महीने में सब्जी की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले तक गोभी 70 रुपए बिक रही थी लेकिन अब 150 रुपए किलो मिल रहा है। बरसात में फंसी हुई है। अब से 3 से 4 गुना रेट महंगा हो चुका 15 दिन के अंदर। आप आलू पहले क्या रेट था और अब किस रेट में बेच रहे हैं? पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब 40 रुपए किलो। गोभी की बात करें, गोभी अगर आपकी बात है, गोभी उठाइएगा एक बार, गोभी देखते हैं। ये गोभी आप देखेंगे काफी अच्छी गोभी है लेकिन इसके रेट भी काफी ज्यादा है। ये कितने रुपए किलो थी और अब कितने रुपए किलो में आप बेच रहे हैं? ये पहले 80 से 70 बिक रही थी, अब 170 से 180। 170 से 180 रुपए किलो। 145 रुपए किलो खरीद लाए, 5 रुपए GST दे के आए। 150 रुपए किलो की गोभी भैया, 5 किलो गोभी लाए मात्र। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि टमाटर की कीमतें एक महीने पहले 45 से 50 रुपए से बढ़कर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। देश में दाल की कीमतें आसमान छू रही है। दाल 200 रुपए से ज्यादा बिक रही है लेकिन यूपी के कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि दाल की कीमत क्या है। क्या कह रहे हैं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आइए सुनते हैं। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। देश की जनता महंगाई मार से कराह रही है। दाल रोटी जुटाने में ही पसीने छूट रहे हैं लेकिन यूपी के कृषि मंत्री को हंसी आ रही है। गरीबों की थाली से दाल गायब है, इन्हें दाल की कीमत ही नहीं पता। लोग दाल रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, कीमत पर मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि दाल की कीमतें 200 से ज्यादा बिक रही है। ये कृषि मंत्री हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मार्केट में दाल की कीमतें क्या है। जरा फिर से सुनिए मंत्री जी दाल का क्या भाव लगा रहे हैं। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। कृषि मंत्री को दाल की कीमत नहीं पता लेकिन जनता को वोट की कीमत जरूर पता है। Thank you.
और दाल की कीमतों पर सवाल पूछने पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री की हंसी पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने कहा है कि जनता चुनाव में इस हंसी का सरकार और इन मंत्री साहब को जवाब दे। इसके योगी सरकार के सारे मंत्री जले पर नमक से। हालात उत्तर प्रदेश के क्या है कि ना तो महंगाई सरकार पर चर्चा करती है और सूर्य प्रताप शाही की आंखों में मोतियाबिंद हो गया। उन्हें गरीबी दिखाई नहीं देती, उन्हें मजदूरी आम आदमी की दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है, ना प्रधानमंत्री इस पर बयान देते हैं, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर बयान देते हैं। तो निश्चित तौर पर है कि मंत्रियों का ये अहंकार बोल रहा है कि वो गरीब आदमी की मजाक उड़ा रहा है। ये गरीबी का मजाक है, ये महंगाई का मजाक है। वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महंगाई के फायदे गिनाती रही है, इसलिए इस पे कोई आश्चर्य भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कृषि मंत्री, वो दाल और आटे दाल चावल के भाव बता के हंसेंगे। ये जो उनकी हंसी थी, ये महंगाई की हंसी थी, ये गरीब की और गरीबों का मजाक था। समाजवादी पार्टी समझती है कि इसी नकारात्मक राजनीति को, इसी महंगाई वाली राजनीति को जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दिया है। और जो किसी मर्जी मंत्री जी आज हंसे हैं, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पे, जनता भारतीय जनता पार्टी के इस हंसी का जवाब जरूर वोट से जरूर देगी। और मुंबई हिट एंड रन मामले में कार्रवाई, जहां आरोपी ने पार्टी की उस पब पर बुलडोजर चला, तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मुंबई हिट एंड रन मामले में एक्शन हुआ है, जहां आरोपी ने पार्टी की थी उस पब पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही पब है जहां पर हिट एंड रन मामले के आरोपी ने पार्टी की थी, और तस्वीरें भी सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और अब देखिए इस पर कार्रवाई हो रही है, आरोपी ने जिस जगह पर पार्टी की थी उसे बुलडोज किया जा रहा है। और वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी का कबूलनामा सामने आया। मेहर शाह ने कबूला, गाड़ी वही चला रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। आज दोपहर होगी मेहर शाह की कोर्ट में पेशी, पुलिस कोर्ट से मेहर की कस्टडी मांगेगी। वर्ली हिट एंड रन केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी मेहर शाह ने पुलिस की पूछताछ में गुनाह कबूल लिया है। ऐसे में वर्ली हिट एंड रन केस से जुड़ा पूरा अपडेट समझ लीजिए। वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर शाह ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी मैं ही चला रहा था। हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था, ऐसे में पिता के पहुँचने से पहले ही मौके से निकल गया। वहीं पुलिस ने खुलासा किया कि फरार होने से पहले मेहर ने अपनी दाढ़ी बनवाई और मेहर ने पहचान बदलने की कोशिश की। वही पुलिस मेहर के विरार जाने पर जांच भी करेगी। हादसे के बाद मेहर आखिर विरार क्यों गया था? मेहर ने BMW कार से स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मृतक कावेरी नखवा के परिजन इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। I want him that we should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. मेहर के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह पर बेटे को भगाने और कार को मौके से हटाने का आरोप है। और एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई हिट एंड रन केस में शिवसेना शिंदे गुट का एक्शन। मेहर के पिता को पद से हटाया गया है, पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, मुंबई हिट एंड रन मामले में शिवसेना शिंदे गुट ने एक्शन लिया है और मिहिर के पिता पर अब कार्रवाई की है। कार्रवाई ये हुई है कि मिहिर के पिता को पद से हटा दिया गया है, पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया है। और इस बीच शराब घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समेत 38 लोगों के खिलाफ इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है, जबकि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। 232 पेज की चार्जशीट में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों से सांठ गांठ कर उनके पक्ष में शराब नीति बनवाकर पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाया है। अब जानिए ईडी ने चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए।
साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। केजरीवाल सिसोदिया का मकसद साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना था। चार्जशीट में विजय नायर को केजरीवाल के मिडिलमैन बताया गया। नई शराब नीति बनाने के लिए केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। 15 मार्च 2021 को सिसोदिया के घर से मिले कागज में प्रॉफिट 5% का जिक्र था। 19 मार्च 2021 को बिना GOM के ही प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया गया। गोवा चुनाव में रिश्वत में आए 100 करोड़ में से 45 करोड़ खर्च किए गए। चार्जशीट में लिखा है कि ये पैसा हवाला के जरिए गोवा प्रचार देख रहे चनप्रीत और प्रीतपाल को मिले थे। अगली खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश। एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए। किसान आंदोलन की वजह से बंद है शंभू बॉर्डर। तो हाईकोर्ट की तरफ से शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया गया है। किसान आंदोलन की वजह से ये सीमा बंद है, ये सीमा सील की हुई है, लेकिन अब अदालत की तरफ से यह कहा गया है कि इस बॉर्डर को खोल दिया जाए, शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए। और आइए इस पर वकील का क्या कहना है, ये सुनते हैं। The further matter of investigation by the officer which is deputed today by the court. अच्छा सर, अगर किसान हटेंगे तो कहाँ जाके वो धरना लगा सकते हैं? सर, वो तो किसान ही बता सकते हैं सर। हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसे निर्देश नहीं? ऐसे कोई निर्देश नहीं। तो हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि जनता को परेशानी हो रही है, बैरिकेड्स को हटा दिया जाए, लेकिन किसानों को कैसे हटाया जाएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा सरकारों को कहा गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नज़र रखें, लेकिन क्या किसान इस निर्देश को मानेंगे, क्या किसान हाईवे से हट जाएंगे, ये अभी आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बैरिकेड्स को हटाने के लिए एक हफ्ते का वक्त पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो एक हफ्ते की समय सीमा दे दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के बजट में मंदिरों के लिए खास ऐलान किया गया है। खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ का फंड जारी हुआ है। 600 मंदिरों में उत्सव के लिए 13 करोड़ का फंड रखा गया है। 20 पर्यटन स्थलों पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। ध्वज आर्या हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजस्थान में जो अलग अलग मंदिर हैं और धार्मिक स्थल हैं, ध्वज, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए इस बार दिल खोलकर बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो मंदिर हैं और उसके अलावा जो रोज़गार हैं, रोज़गार को लेकर ये पूरा बजट जो है पूरी तरीके से फोकस है। और जो डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी, ये पूरा बजट दे रही हैं और अभी ये जो है पेश किया जा रहा है बजट। सबसे बड़ी बात ये है कि खाटू श्याम जी मंदिर है, 100 करोड़ रुपये का बजट है वो पास किया गया। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा काशी कॉरिडोर के, जैसे ये जो है बात चल रही है कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है 100 करोड़ रुपये का बजट वहाँ स्पेशल दिया गया। और मंदिरों में जो उत्सव होने के लिए, जो मंदिरों में उत्सव होते हैं उसके लिए भी जो है इस बजट में जगह दी गई है। और साथ ही साथ रोज़गार की बात की जाए तो नौजवानों के लिए अगले 5 साल में 4 लाख रोज़गार जो है देने का लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ साथ में स्कूलों के जो होनहार बच्चे हैं उन्हें टैबलेट दिया जाएगा, इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। तो इस तरीके की घोषणाएँ हैं, ये घोषणाएँ हैं लोक लुभावन जो घोषणा है, ये जो है दिया कुमारी की तरफ से दी गई। और सबसे ज़्यादा मंदिरों को फोकस किया गया और उसके साथ साथ में जो आने वाले उपचुनाव है उसको देखते हुए ये पूरा बजट है वो देखा जा सकता है। तो फिलहाल अभी बजट की घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस है वो मंदिर और युवाओं को जो है उनको देखते हुए किया गया है। मंदिरों पर खासा फोकस नजर आ रहा है और जो तमाम 600 मंदिर हैं उनमें भजन कीर्तन के लिए भी 13 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है इस बजट में, ध्वज बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस हादसे पर SIT की रिपोर्ट पर BSP सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा नारायण साकार हरि पर खामोशी क्यों है। मायावती ने कहा कि ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। हाथरस भगदड़ मामले में SIT रिपोर्ट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने नारायण साकार हरि को SIT जांच में क्लीन चिट देने पर UP सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि SIT की ये रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मायावती ने ये भी कहा कि मुख्य आयोजक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की भूमिका के बारे में SIT की खामोशी भी चिंता का कारण है।
उन्होंने कहा कि सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। मायावती ने कहा कि यूपी के हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, लेकिन एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। ये अति दुखद है। आपको बताते हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या है। 121 मौत पर 125 लोगों के बयान लिए गए। इस आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में हादसे की तीन मुख्य वजह बताई गई: लापरवाही, बद इंतजामी और साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ के लिए अफसर, आयोजक, स्थानीय पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मध्य प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। इस बारे में टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। क्या कारण है कि आप अब पूरे कॉलेजेस में? हम पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो शासकीय महाविद्यालय हैं, विशेष करके अभी हमारे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय जिनका 14 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमाता अमित शाह शुभारंभ करने वाले हैं, उनके संदर्भ में हम ये विचार कर रहे हैं कि भाई इन महाविद्यालयों में गणवेश हमारा तय होना चाहिए और उसके आधार पर एक अच्छा संस्थान जब हम स्थापित कर रहे हैं, सरकार का बहुत बजट उस पर खर्च हो रहा है, तो वहाँ की व्यवस्थाएँ भी उसी हिसाब की उत्कृष्ट प्रकार की होना चाहिए। इसलिए हमने समानता, अनुशासन और एक कॉलेज की अलग पहचान स्थापित हो जाए उस दृष्टि से हम इस पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में और उसकी चर्चा करके विमर्श करके भविष्य में उसको लागू करने वाले हैं। देखिए, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हम सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके व्यापक एक प्रकार की चर्चा करके इसको लागू करेंगे और जो हमारे पास अभी सारी जानकारी है उस हिसाब से हम ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत बताई गई है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ जनसंख्या असंतुलन बढ़ने का दावा किया गया है। इस पर नियंत्रण के लिए व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। पत्रिका के ताज़ा साप्ताहिक अंक के संपादकीय में जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत की गई है। संपादकीय के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों, खासकर सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सीमाओं पर अवैध विस्थापन की वजह से अवैध तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। पत्रिका में लिखा गया है कि पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर काम कर रहे हैं। संपादकीय में आरोप लगाया गया है, राहुल गांधी जैसे नेता जब तक हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं और दक्षिण भारत की पार्टियां सनातन धर्म को गाली देकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट कर सकती हैं। और कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के छिपे होने की यहां पर आशंका है। कई इलाकों में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर कठुआ में आतंक के खिलाफ महाऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किया गया है। इस समय मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर आतंकियों की तरफ से जो भारतीय सेना के वाहन थे उन पर हमला किया गया। कुछ दूरी पे हम मौजूद हैं क्योंकि टेरर स्पॉट्स पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो आसपास के घने जंगल का इलाका है वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके का डेंस फॉरेस्ट है, अभी भी फॉग है, विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा ज़ीरो है। और ऐसे में जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, पहली प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो ना हो सके और जल्द से जल्द उन आतंकियों के ग्रुप को ट्रेस किया जाए, उन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो जो ग्रुप है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के जवान विनोद भंडारी को सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी। ये देश के वीरों का सम्मान है
देश पर मर मिटने वालों के अभिमान की धुन है। सैन्य सम्मान के साथ ऋषिकेश के पूर्णनाथ घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त वीर शहीद विनोद भंडारी को सम्मान देने वालों का सैलाब उमड़ा। हजारों लोग अपने देश के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन दिल में विनोद भंडारी की शहादत पर फक्र था। वीर शहीद विनोद भंडारी उन 5 शहीदों में शामिल हैं, जिन्होंने कठुआ में पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। टेहरी गढ़वाल स्थित चौंद जसपुर गांव के रहने वाले शहीद विनोद भंडारी देश के लिए बलिदान होने वालों में अमर हो गए। ऐसे वीर जवान के यशगान से आसमान गूंज उठा। इस बीच खबर यह है कि एलविश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। ईडी ने उन्हें नया समन भेजकर पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया है। ये रिपोर्ट देखिए। सांपों के जहर वाली पार्टी मामले में एलविश यादव अब नई मुश्किल में फंस गए हैं। फेमस यूट्यूबर एलविश यादव को ईडी ने नया समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर एलविश यादव को तलब किया गया है। एलविश को 23 जुलाई को लखनऊ के ईडी ऑफिस में पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले ईडी ने एलविश यादव को नोटिस देकर 8 जुलाई को बुलाया था, मगर एलविश ने विदेश में होने की बात कहकर कुछ दिनों का वक्त मांगा था, जिस पर ईडी ने अब 23 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया है। इससे पहले एलविश यादव के करीबी सहयोगी और हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजलपुरिया से 8 जुलाई को ईडी ने लखनऊ ऑफिस में करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। उनसे एक फेमस गाने में सांप के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ की गई थी। इसके अलावा एलविश के दूसरे साथी ईश्वर यादव और विनय यादव से भी इस मामले में पहले पूछताछ की जा चुकी है। जाहिर है 6 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद एलविश यादव और 7 अन्य लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक पार्टी के लिए सांपों की तस्करी की गई और सांपों के जहर का इस्तेमाल पार्टी में किया गया था। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के वकील विजय मिश्र को लेकर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोली है। प्रयागराज के माफिया डॉन रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के वकील विजय मिश्र इन दिनों नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस बीच प्रयागराज के कैंट थाने में हिस्ट्री शीटर नंबर 22B खोली गई है। ये नंबर है, बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस आईएस 227 गैंग के सरगना रहे माफिया अतीक के करीबियों गैंग के लोगों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पहले अतीक के बेटे उमर और अली की हिस्ट्री शीट खोली गई। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगा और अब अतीक अशरफ के वकील रहे विजय मिश्रा की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। बताया जाता है कि विजय मिश्रा के खिलाफ उमेश पाल हत्याकांड समेत कुल 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड में विजय मिश्र की भी संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के बाद अधिवक्ता विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 की शाम धूमगंज के जयंतीपुर में उमेश पाल और उनके 2 गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। उमेश की पत्नी जया पाल की तहरीर पर पुलिस ने माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ, बीवी शाइस्ता समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ऑस्ट्रिया के वियना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है पीएम मोदी को। इससे पहले रूस के दौरे पर थे पीएम मोदी और रूस से सीधे ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। वियना से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे पहले हमने देखा था जब वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भारतीय समुदाय के लोग उनका बेसब्री से किस तरह होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे और जबरदस्त जोशो खरोश उनमें नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया में मौजूदगी को लेकर, और इस वक्त उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पेपर लीक मामले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीबीआई ने इसमें शामिल कुछ और लोगों की पहचान की है। नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को मिलने के बाद एक्शन तेज हो गया है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज हो गई है। सीबीआई ने पेपर लीक में शामिल 10 नए अभ्यर्थियों का पता लगाया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है।
बिहार से लेकर झारखंड तक सीबीआई की छापेमारी चल रही है। बिहार के नालंदा और गया से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सनी कुमार नीट अभ्यर्थी है, जबकि रंजीत अन्य अभ्यर्थी का पिता है। चिंटू की निशानदेही पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। नीट पेपर लीक मामले में 35 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 23 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, इसलिए निर्णय लेने से पहले कुछ तथ्यों पर विचार करना जरूरी है। परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तभी हो सकता है जब ये तय होगा कि पेपर लीक कहां से और कैसे हुआ। अगली सुनवाई गुरुवार 11 जुलाई को होगी। 5 मई को करीब 24 लाख अभ्यर्थी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। 4,750 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा देश के 570 शहर और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई। वही उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। बिना परमिट और बीमा के चल रही थी बस, जिस बस के साथ यह हादसा हुआ है, किसान के नाम पर महोबा में रजिस्टर्ड थी ये बस। बस के कागजात में दर्ज पता भी फर्जी निकला है और मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी ये निजी बस। इस दौरान हादसे का शिकार हुई और लगभग 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस के परखचे उड़ गए। बस दूध के टैंकर से टकराई, उसकी भी हालत देखिए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बस कंटेनर को चीरते हुए आगे घुस गई। इसकी वजह से मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गढ़ा गांव के सामने हुए इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस में सवार सभी यात्री सीतामढ़ी से दिल्ली जा रहे थे। मालूम नहीं, सोए हुए थे हम। बहुत आदमी मर गया। कहां के लोग हैं ज्यादा? सब मोतिहारी शिवहर जिला के। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने KGMU के ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मुलाकात की और हर संभव उपचार का भरोसा दिया। ज्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। क्या कुछ घटना की भी जानकारी लग पाई, किस कारणों से? अब ये पूरे घटना के कारणों की जांच करके बाद हम कह पाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये है कि घायल जो है उनको हम तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। यूपी के कन्नौज से सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक कार वाले की लापरवाही दूसरे पर भारी पड़ी। तस्वीरें कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर हुए खतरनाक सड़क हादसे की हैं। हादसे के इस वीडियो को देखिए। इस बीच पीछे से आ रही सफेद रंग की कार ने ओवर स्पीड की वजह से अपने आगे वाली कार में तेजी से टक्कर मारी। आगे वाली सफेद कार टक्कर लगने के बाद सामने खड़ी ट्रॉली से टकरा गई, तो ओवर स्पीड कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आज सुबह करीब 6:17 पर 2-3 गाड़ियां भिड़ गई हैं। प्रोक्त DCM खड़ी हुई थी, पीछे से एक मारुति सुजुकी आ रही थी, उसके पीछे एक i20 आ रही थी। i20 ने तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मारुति सुजुकी में टक्कर मार दी। मारुति सुजुकी आकर DCM में लग गई, इसलिए DCM का चालक बंटू घायल हो गया। एक बार फिर देखिए कन्नौज एक्सप्रेसवे पर हुए इस खौफनाक हादसे का वीडियो। एक कार वाले की लापरवाही एक्सप्रेसवे पर दूसरे कार सवार पर भारी पड़ी। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने आगे वाली कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कार खड़े ट्रॉले में जा घुसी। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। और बुलडोजर का काम है तोड़ना फोड़ना, हम सब यही जानते हैं, लेकिन यूपी के गोरखपुर में इसका इस्तेमाल कुछ अनोखे ढंग से किया गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दूल्हे राजा की ये शान की सवारी है। ये बुलडोजर हाथी घोड़े की बग्घी पर भी भारी है। बुलडोजर पर सवार कृष्ण वर्मा नाम का ये दूल्हा मगन है। बारातियों को लेकर दुल्हनिया को लाने चला है। बैंड बाजा और बुलडोजर वाली ये बारात जिधर से निकली, देखने वालों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि कृष्णा की शादी तय होने के बाद खलीलाबाद के ससुराल पक्ष के लोगों ने दूल्हे को ताना मारा कि CM योगी जी की पार्टी खलीलाबाद संत कबीर नगर में हार गई। दूल्हे ने इस बात को दिल पर ले लिया और फिर क्या था, सिर पर सेहरा सजाया, आंखों पर चश्मा लगाया और महंगी एयर कंडीशन वाली कार छोड़ दी और लेकर चल पड़ा बुलडोजर वाली बारात। दूल्हा तो दूल्हा, देखिए सगे संबंधी और सहवाला भी दूल्हे के साथ बुलडोजर पर ही सवार होकर चले। आगे आगे बुलडोजर पर दूल्हा, पीछे पीछे नाचते गाते बैंड बाजा और बाराती।